तो और इस कॉइन के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर हम बात करें। तो सबसे पहले जो ओरिस कॉइन है, ये कल लिस्ट हो गया है एलबैंक के ऊपर, और इसका जो अभी का प्राइस है, जो करंट प्राइस है, वो 6.9 डॉलर है, करीबन $7 के आसपास हम इसे मान सकते हैं। और कल जो इसका सबसे हाई प्राइस था वो 9.45 डॉलर तक इसका जो है पंप हुआ था, और सबसे जो लोएस्ट था इनका $4 के ऊपर ये लिस्ट हुआ था। और तब से अगर आप देखो तो अच्छा खासा यहाँ पे पंप हुआ है, और अच्छा खासा यहाँ पे जो है वॉल्यूम भी इसने जनरेट किया है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे जो मैं कह रहा था ये जो ओरिस कॉइन स्कैम है, तो ये स्कैम नहीं है, ऐसा साबित हो जाता है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ओरिस कॉइन जो है अपनी इनकम के लिए यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से ये एक पोंजी स्कीम बन जाती है, जिसको पिरामिड स्कीम भी बोलते हैं। और एल बैंक के ऊपर अगर लिस्ट होने के बाद अगर ओरिस कॉइन को दूसरे जो जर्नल लोग हैं वो नहीं परचेज करते, तो चांसेस ये है कि ओरिस कॉइन फेल हो सकता है। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, आप ये जो दो चार सवाल हैं इसके अगर आंसर दे पाए तो इससे जो है काफी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो ओरिस कॉइन है इसके जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, अगर आपको ये 10% पर मंथ प्रॉफिट दे रही है तो ये जो प्रॉफिट है ये कहाँ से आ रहा है। और आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ये जो ओरिस कॉइन है इसमें इन्होंने अपने जो टोकन है या कॉइन्स है इनको अपनी सप्लाई में से अलग करके रखा हुआ है लोगों को स्टेकिंग रिवॉर्ड देने के लिए, तो ये चीज आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है ये इनकम का मॉडल नहीं है। इनके पास ये जो टोकन है ये पहले से इन्होंने बना रखे हैं, तो इसको आप इनकम का सोर्स नहीं बोल सकते हो। तो दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे जो आपका कॉइन है ये क्लेम करता है कि ये जो NFT गेमिंग और ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है, तो ये जो NFT है इसको आप में से कितने लोगों ने खरीदा है और क्यों खरीदा है, और इसका जो पर्पस है वो क्या है वो आप नीचे बताओ। क्या आप जो ये NFT है इसको रियल लाइफ में कहीं यूज कर भी रहे हो या बस खरीद के रखा हुआ है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताओ। दूसरा सवाल ये है कि आपका ये जो कॉइन है ये क्लेम करता है कि गेमिंग में यूज किया जा रहा है, तो ऐसा कौन सा गेम है जिसमें आपका ये जो ओरिस कॉइन है ये यूज किया जा रहा है, और कौन सी AAA गेम है जो आपकी ओरिस कॉइन ने आपको दी है जिसको पूरी दुनिया खेल रही है या फिर खेलना चाहती है। तीसरा ये कि ये जो ई कॉमर्स में इन्होंने अपना नाम दिया है तो कौन सा ई कॉमर्स ये यहाँ पे चला रहे हैं और वो कितना सक्सेसफुल है। तो ये जो दो चार सवाल हैं इसके आप आंसर करो नीचे। अगर इसमें से कंपनी कोई भी चीज नहीं दे रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको नए जो है मेंबर्स जोड़ने के लिए कह रही है और आपको कह रही है कि आप बस इसमें इन्वेस्ट करो, स्टेक करो और आपको प्रॉफिट आएगा, तो सब चीजें क्लियर है कि ये जो पैसा है आपको नए मेंबर्स जोड़ने पे आ रहा है, ना कि किसी NFT गेमिंग या फिर ई कॉमर्स के इकोसिस्टम से आ रहा है। तो आप नीचे कमेंट करो ये जो दो चार सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, और अगर आपको ये सवालों के आंसर्स नहीं मिलते हैं तो आप अपने सीनियर्स को पूछो, और उनको भी नहीं पता है तो आप उनके सीनियर्स को पूछो और जो एक्चुअल आंसर है वो ढूंढ कर निकालो, जिससे आपको पता लगेगा कि क्या आपका जो ओरिस कॉइन है क्या एक्चुअल में सक्सेसफुल हो पाएगा। ये जो ओरिस कॉइन के ऊपर ये जो लिस्ट हुआ है 21,35,776 टोकन ओरिस के, तो इसमें सिर्फ 10 होल्डर्स ही क्यों है अभी तक, और इसका जो ये मार्केट प्राइस है ये 0.0 क्यों दिखा रहा है, इसका भी थोड़ा सा आंसर बताओ मुझे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।